दोनों चीज देश के अंदर धर्म के आधार पे इस तरीके से बंटवारा करने की राजनीति हम इसकी निंदा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के ठीक है रोहित, मैं लौटूंगा, मैं लौटूंगा आपके पास। जो वोट पोलराइजेशन का नैरेटिव है इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। ठीक है, थैंक यू। पुष्पेंद्र जी, देखिए अखिलेश यादव जी का बयान है वो किसी भी हद में हम उसका समर्थन नहीं कर सकते, ये बिल्कुल ही ठीक नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ कि बड़ी मजे की बात यह है और हंसी आती है कि अखिलेश के बयान के सवाल कौन उठा रहा है। सवाल उठा रही है भारतीय जनता पार्टी, जिसके नेता शीर्ष नेता उस समय आडवाणी जी पाकिस्तान जाते हैं, जिन्ना की मजार पे माथा टेकते हैं और माथा टेकने के बाद उनकी तारीफ में कहते हैं कि इनसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष तो कोई नेता ही नहीं था। आप बताइए, विभाजन जो भारत हिंदुस्तान का विभाजन हुआ ये इतिहास का सबसे कड़वा अध्याय है। हजारों लोगों ने इसमें अपनी जान गंवाई, हजारों लोग बेघर हुए और इस सब के जिम्मेदार कहीं ना कहीं वो जिन्ना ही थे। और जिन्ना की तारीफ कौन कर रहा है? लाल कृष्ण आडवाणी जी। और लाल कृष्ण आडवाणी जी किस दल से ताल्लुक रखते हैं? भारतीय जनता पार्टी से। तो बड़ा ताजुब, तो समाजवादी पार्टी ठीक है, भारतीय जनता पार्टी। अखिलेश यादव ने जो कहा वो ठीक कहा, आप ये कह रहे हैं क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा तो अखिलेश यादव ने भी ठीक कहा। बयान का बिल्कुल समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया, लेकिन हंसी इस बात पे आ रही है कि सवाल उठा रहा है वो भारतीय जनता पार्टी उठा रही है, जिसके नेता खुद जिन्ना की ठीक है। अब ठीक है।